आखिरी खिलाड़ी कौन? आपके पास 3 मिनट का टाइम है और आपका वक्त शुरू होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे अली से। अली, कितने मर्द हजरात ने चांद का सफर किया है? 2। 12। कौन से मुल्क में सबसे ज्यादा तादाद में तूफान यानि टॉर्नेडो आए हैं? नुसरत। जापान। USA। 1450 में किस इजाद ने कम्युनिकेशन यानि रवाबित में इनकलाब भरपा किया? कंपास। प्रिंटिंग प्रेस। पाकिस्तान ने सबसे पहले कौन से साल में हॉकी यानि ओलंपिक गोल्ड मेडल हासिल किया? 1960। करेक्ट। हमारे निज़ाम शमसी का तीसरा सैयारा कौन सा है? अर्थ। ज़मीन। करेक्ट। जनरल परवेज मुशर्रफ कहाँ पैदा हुए? व्हेन यू पास इट, जब आप पास करते हैं तो फिर से जीरो पे आकर खड़े हो जाते हैं। जब गाड़ी राइट साइड पर मुड़ती है तो कौन सा टायर नहीं हिलता? पास। लिनन फैब्रिक कौन से प्लांट से बनाई जाती है? फ्लेक्स। करेक्ट। पाकिस्तान कौन से तारीख में एक जमहूरिया मुल्क यानी रिपब्लिक कौन से साल और महीने में बना? 23rd March 1956। प्लैनेट अर्थ में कितने टाइम जोन्स हैं? 24। स्क्वाश प्लेयर जानशेर खान ने कुल कितनी मर्तबा वर्ल्ड ओपन में फतह हासिल की? पास। इलेक्ट्रॉन्स में कितने हाइड्रोजन एटम पाए जाते हैं? पास। किसको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री यानी जदीद केमिस्ट्री का बाप कहा जाता है? लवोजियर। एंटोन लवोजियर। करेक्ट। सल्फर को रबर में ऐड करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? वल्कनाइजेशन, आई थिंक। करेक्ट। यहां हमारा राउंड 1 खत्म होता है और अब आप लोग किसी एक को वोट आउट कर सकते हैं। शायद वो एक ऐसा शख्स हो सकता है या हो सकती है जिसने बार बार गलत जवाब दिया, या फिर वक्त ज्यादा लगाया, या फिर पास कहा, या फिर बैंक नहीं कहा। आप लोगों ने सोचना ये है कि जो अनाड़ी है यानी इस राउंड का जो आपको लगता है कि वीक खिलाड़ी है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ताकि आपके पास पावरफुल कंटेस्टेंट्स हों, अच्छे खिलाड़ी हों, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जमा हो सके, ताकि राउंड 9 में आप में से कोई एक खुश नसीब होगा जो ये सारे पैसे लेकर घर जाएगा। आपका वक्त शुरू होता है अब। पहला राउंड पास करते हुए गुजर गया। कामरान और रमला की परफॉर्मेंस बेहतर रही, बैंक की आवाज नहीं आई। अब देखना ये है कौन है जो अगले राउंड में नहीं होगा हमारे साथ। Are you all done? Yes. You know, I'll start with Uzair, because Uzair ने ज्यादा वक्त नहीं लगाया और करके दोनों हाथ जेब में डाल लिया। कंफर्म है, कॉन्फिडेंट है। कौन सा खिलाड़ी है जिसको आप इस राउंड से यानी इस गेम से बाहर करने वाले हैं? कामरान सईद। कामरान सईद साहब, क्यों? लिटिल लेट। आपको लगता है उन्होंने वक्त ज़्यादा लिया? लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि बहुत से आसान सवालों के जवाब आपके दोस्त यहाँ नहीं दे पाए? फादर ऑफ केमिस्ट्री वाला जवाब मुश्किल उन्होंने दिया, यानी ये सिर्फ राउंड 1 है, आगे राउंड 2, 3 से लेकर 9 तक सवाल मुश्किल होते जाएंगे। Anyway, उज़ैर कहते हैं कामरान सईद साहब। बख्तावर, किसको वोट आउट करना चाहती हैं? था तो टफ डिसीजन, बहुत सारे थे, लेकिन मैंने जो नाम दिया वो अली का है। अली क्यों? अली क्यों? बेसिकली वो क्वेश्चन मुझे आता था तो मुझे लगता है कि उनको जवाब देना चाहिए था। और वो क्वेश्चन कौन सा था? कितनों ने जो है वो शायद आई गेस चांद तक गए थे, आई गेस इस तरह का। कितने मर चांद तक गए? हाँ, कितने मर चांद तक गए। जवाब क्या है? मुझे लगता है कि 12, आई गेस। जी अली, आप किसको वोट आउट करेंगे? मैं तो नूर नास को वोट आउट करना चाहूँगा, क्योंकि आई थिंक, क्योंकि बस ये सवाल आया था कि परवेज मुशर्रफ कहाँ पैदा हुए थे, तो ऑब्वियसली सब जानते हैं कराची में पैदा हुए थे। अच्छा, आपको लगता है कराची में पैदा हुए थे? किसने कहा ओ माई गुडनेस? क्यों? He is pretty confident कि कराची में पैदा हुआ। आपको क्या लगता है कहाँ पैदा हुए थे? दिल्ली।
दिल्ली. तो अगर आप इस बेसिस पे उनको वोट आउट करना चाहते हैं फिर तो मुझे लगता है कि आपको भी चले जाना चाहिए, क्योंकि इस सवाल का जवाब तो आप भी नहीं जानते. जी कामरान साहब, अली अली को क्यों? सिंपल सवाल मिस करा, और मतलब ये है कि आई थिंक उनको जवाब देना चाहिए था. मेरे पास यहाँ तमाम वोट्स मौजूद हैं, मैं देख पा रही हूँ कि किसको कितने वोट्स मिले, यानी इस राउंड का सबसे कमज़ोर प्लेयर कौन रहा है, और जिस शख्स को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं वो नुसरत आप हैं. थैंक यू. एक मिनट में इंस्टा शो विद मी मतीरा. आखिरी खिलाड़ी कौन? That's the catch. किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे. सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर. बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें.